कहेंगे कुछ कुछ पूछें कि मध्यप्रदेश की घटना को लेकर के तो आप सबने देखा कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर छुए, क्या कहते हैं, पैर धोए जी, और फिर माफ़ी भी मांगे। और जिन्होंने ने जो इस प्रकार के कुकृत किया था उसके ऊपर कार्रवाई किए, उनके घर तक को छोड़ा गया। मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5,000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं जी। और दूर की बात छोड़ दीजिए, जहां उनकी कर्म भूमि रही है, दुमका है, बरहेट है, जहां पर महिलाओं को पेट्रोल से आग लगा करके जला दी गई, और बरहेट में तो एक प्रिमिटिव ट्राइब्स पहाड़िया को कितनी 50 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया और उनके घर में मुख्यमंत्री जी अब तक गए नहीं, उनकी शुद्धि लेने को गए नहीं। तो जो भी आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से सलाह है, उनको तो जाना चाहिए, हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। उमेश कच्छप की हत्या के बारे में आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड होने को मजबूर हुए थे, उनके परिवार के लोग हाईकोर्ट गए हैं पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।